हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सुंदर सा डोर मैट है। काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन में है, काफ़ी इजी और सरल भी है। ये देखिए, इसको मैंने 26 फंदों में बनाया है। ये देखिए, इसको ये 6 फंदे मैंने डाले हैं येलो कलर के, और 10 फंदे ग्रीन कलर के, और 10 फंदे वाइट कलर के। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे इसको दो और बढ़ा लीजिएगा तो और ज़्यादा फंदे खुल जाएंगे। इसको दो बढ़ाना है, दो फंदे और, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इसको दो और फिर 12 12 हो जाएंगे। 12 के बाद और दो बढ़ा लीजिएगा, 14 फंदे, 14 14 ये, फिर और ये 12 फंदे। उसी के हिसाब से दो दो इसमें फंदे बढ़ा बढ़ा के आप इसको बड़ा छोटा जिस भी साइज़ में बनाना चाहो उसमें साइज में बढ़ा सकते हो। इसको मैंने 5 फंदे बढ़ाए के बाद ये घटाया है, तो सेम फंदे ऐसे ही डालेंगे, 6 10 10। फिर उसके बाद एक रो ये निकाल लेंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ से देखिए, शुरू में ही फंदे बढ़ा लेंगे क्योंकि एक रो हो गया है हम लोग का। यहाँ से वाइट कलर का एक रो, एक फंदा बढ़ाने के बाद इसको वाइट वाले सभी फंदे को बुन लेंगे। तो जो ग्रीन वाले फंदे हैं उनको भी बुनेंगे ग्रीन से ही, जो जैसा कलर का है हमने उसी कलर से बुनेंगे। बस नीचे में दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। ये भी हो गया, येलो कलर को बुन लेंगे। येलो कलर से दो फंदा छोड़ लेंगे, 6 फंदे हैं तो 4 फंदे बुनेंगे, दो छोड़ लेंगे। देखिए, राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब राइट साइड में भी जो जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे। लास्ट तक बुन लेती फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं दो दो एक फंदे ऊपर बढ़ाती जाऊँगी और यहाँ से दो दो रो छोड़ती जाऊँगी। तो 3 फंदे यहाँ बढ़ा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 स्टेप मैंने ये 3 फंदे ऊपर में बढ़ा लिए हैं और 3 ये देखिए दो दो करके 6 फंदे नीचे में येलो कलर का छोड़ लिया। अब यहाँ देखिए, चौथा नंबर का फंदा बढ़ा रहे हैं। यहाँ से चौथा नंबर का फंदा बढ़ाने के बाद इसको बुन लेंगे, जो वाइट कलर के फंदे हैं उनको। फंदे यहाँ ऊपर में छोड़ेंगे, यहाँ रेड कलर से कर लेंगे। 1 2 3, फिर इसके बाद 5 फंदे वाइट कलर के बुनेंगे। देखिए 3 4 और 5, यहाँ से ग्रीन वाले फंदे को बुनेंगे। और इस बार येलो से तो 6 फंदे पूरे छूट गए हैं, अब ग्रीन से दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। ये देखिए, ये दो फंदे मैंने ग्रीन से छोड़ लिया। राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब राइट साइड में देखिए, जो जैसा है उसको वैसे ही पूरा बुनेंगे। ये ग्रीन वाले फंदे हैं तो ग्रीन को ही बुन लेंगे। जो कली वाला डोरमेट बनाते हैं सेम उसी जैसे ही बन रहा है। देखिए, पीछे में ग्रीन को कर लेंगे और वाइट को धागा क्रॉस करा के वाइट वाले फंदे को सामने ले आएंगे, और वाइट वाले जितने फंदे हैं सबको वाइट से बुनेंगे। वाइट को पीछे डालेंगे, जो रेड कलर के फंदे हैं उनको क्रॉस करा के रेड को सामने ले आएंगे। 3 फंदे हैं रेड कलर का, देखिए उनको बुन लेंगे। पीछे करेंगे, वाइट को सामने ले आएंगे, यहाँ से इसको बुन लेंगे वाइट वाले सभी फंदे को लास्ट तक। फिर से रॉन्ग साइड में एक फंदा वाइट का फिर से बढ़ा है, 5वां नंबर का फंदा है। ये
रेड से ही बनेगा। जो रेड कलर के 3 फंदे हैं वो रेड से ही इसको बनाएंगे। और जो व्हाइट कलर के फंदे हैं उनको ग्रीन से बना लेंगे। जो 5 फंदे उनको ग्रीन से ही बना लेंगे, क्योंकि ये भी सेंटर वाला पॉइंट आ गया। 5 फंदे ही हम लोग ऊपर में बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने 5वां वाला लाइन को ये इसका डंटल बनाने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि सेंटर बीच में आना चाहिए। पहले का 2 फंदा ग्रीन वाला छूटा था, 2 फंदे और छोड़ लेंगे तो ग्रीन में से 4 फंदे हो जाएंगे। राइट साइड टर्न कर लेंगे, राइट साइड देखिए जो जैसा उसको वैसे ही पूरे लास्ट तक बुन लेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स देखिए ये 5 फंदे ऊपर तक बढ़ गए हैं, अब यही से इसको घटाते हुए जाएंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे, यानी कि घट गया 1 फंदा हो गया। यहाँ से 4 फंदे ये हो गए हैं कम, 5 फंदे थे बढ़े हुए, जो वाइट कलर के फंदे बुन लेंगे। और यहाँ से 1 लाइन और 3 फंदे हैं जो रेड कलर के, उनको बुन लेंगे। और यहाँ से वाइट कलर को बुनेंगे, जो 5 फंदे बुने थे ग्रीन कलर के उनको वाइट कलर से बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5 और जो ग्रीन वाले फंदे हैं वो नीचे से छोड़ते जाएंगे। पहले का 4 छूटा है, 2 और छोड़ देंगे तो 6 फंदे छूट गए। देखिए राइट साइड टर्न कर लेंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही पूरे लास्ट तक बुन लेंगे, फिर दिखाती हूँ आप। देखिए फ्रेंड्स फिर से रॉन्ग साइड में आ गए, ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों का फिर से 1 फंदा करेंगे और वाइट कलर के जितने फंदे हैं सबको वाइट से ही बुन लेंगे। और जो रेड कलर के फंदे हैं उनको भी वाइट कलर से बुन लेंगे। और नीचे में वाइट है उनको भी वाइट से ही, और ये ग्रीन वाले फंदे 6 छूटे थे, 2 और छोड़ लेंगे तो 8 फंदे छूट जाएंगे। देखिए राइट साइड टर्न कर लेंगे, जो जैसा है उसको वैसे ही पूरे लास्ट तक बुन लेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये ऊपर वाला 2 फंदे का 1 फंदा किया, और यहाँ से 2 फंदा जो छूटा है उसको 2 फंदा ले लेंगे और पीछे राइट साइड टर्न करके इसको बुन लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए बन के रेडी हो चुका है, ये 5 फंदे घट गए हैं और ये 10 फंदे बचा है, और ये 10 फंदा और ये 6 फंदा। इसी तरह ये मेरा डोरमेट कंप्लीट हो चुका है। मेरा डोरमेट आपको पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।